रणबीर कपूर मेरा फेवरेट है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि मैंने इसकी मूवी में काम किया, संजू मूवी में। हेलो, गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी चाय? दूध आ गया? दूध आ गया तो चाय हम खुद बना लेंगे। वाह, तो भाई साहब आज चाय रही कॉफ़ी पियेंगे। तो ये कॉफ़ी मम्मी चम्मच कहाँ? चम्मच में इसको रखूँगा फिर डालूँगा दूध में। अरे वो चिपक जाता है वो, ये इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि क्या एकदम से दूध की टंकी के ऊपर डालते हैं ना, वो क्या गर्म हो जाता है और चिपक जाता है। अरे यार चोट हो गई, एक चोट ये हो गई कि कॉफ़ी बन रही थी और पता लगा गैस ही खत्म हो गई। देखो वो बंद गया, बंद ही हो गया मम्मी। अब टंकी चेंज करना पड़ेगा, अब ये टंकी बदलेंगे। दूसरी टंकी कहाँ रखी है? मैं लेके आता हूँ, पकड़ो उसको। दूसरा सिलेंडर लेकर आते हैं, ये रखा हुआ है। लो भैया टंकी आ गई, लगाओ मम्मी फटाफट, आराम से इस पर रख लो ना ऊपर। हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, तुम आराम से करो ना भाई। टूट दी, टूटी गई वो तो नहीं, नहीं टूटी नहीं वो नीचे का, हाँ टूट गई थोड़ी सी भाई, ध्यान से करो भाई, ऐसा टूट जाता दोस्तों। अब मैं रख दूंगा उसको वापस। लगाओ इसको अच्छे से, हाँ हो गया चालू। चेक कर लो एक बार जला के, जल गया। चलो हाँ निकेत भैया, चश्मा वश्मा सब सब कर लियो, फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ ऐसे ही जा रहा हूँ ना अभी, बस कपड़े चेंज करने आया हूँ तो फाइनल करो। अरे नहीं 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 भाई, चलो जल्दी मैं भी तैयार हो जाता हूँ, आप भी हो जाओ रेडी, फिर चलते हैं। चलो मम्मी हम जा रहे हैं ना, ठीक है आते हैं, बाय बाय टॉमी बाय। प्यारा, बहुत प्यारा। चले भैया बैठूं? आओ बाय। अरे पीछे पीछे आ रहा है यार ये टाइगर। अरे यही रहो यही रहो, बेचारा पीछे पीछे आ रहा है। क्या बात है, एक तो सडन प्लान बन गया। नहीं मैंने भैया को एक हफ्ते पहले बोला था, मैंने कहा भैया आप ब्रह्मास्त्र जाओगे क्या पिछले हफ्ते, संडे को, पिछले संडे को। हाँ भैया यहाँ लगा देना है ना, वहाँ लगा देना, मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी लगा सकते हो आप। यानी कि भैया के साथ दोस्तों हम आए हुए हैं और अभी बताता हूँ हम कहाँ आए हैं, सरप्राइज़ है बहुत बड़ा। ऊपर बहुत जनता निकली यार, बहुत सारे लोग निकल गए। आराम से आना। अरे अरे कृष भाई कैसा? बढ़िया बढ़िया। अरे भाई तो चलो आए ना, सी यू। ओके दोस्तों, तो आपको देखकर क्या लग रहा है कि मैं कहाँ आया हूँ? दोस्तों मैं आया हूँ बहुत ही शानदार जगह पे, मैं आया हूँ आशिमा मॉल के अंदर। और आज हम आए हैं कौन सी मूवी देखने के लिए?
ब्रह्मास्त्र वर्ल्ड क्लास मूवी दोस्तों, रणवीर कपूर की वर्ल्ड क्लास मूवी है। तो एकदम से प्लान बन गया अनिकेत भैया, सौरभ भैया, विवेक भैया, इन सब का कि भाई चलो मूवी चलते हैं। तो मैं तो इंडिस्पेंसेबल पार्ट उनके ग्रुप का मैं भी चला जाता हूँ फटाफट। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, फटाफट तैयार हो गया, मतलब ब्लॉग भी स्टार्ट नहीं कर पाया मैं। इतना मज़ा आ रहा है ना भाई, मज़ा आ जाएगा। बहुत दिन बाद मूवी जा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। फटाफट चलते हैं अंदर और एंजॉय करेंगे। विवेक भैया अंदर ही मिलेंगे सीधा। ये देखो दोस्तों यहाँ का नज़ारा, ये देखो मूवी आए हैं, यहाँ मूवी पीछे से अंदर एंट्री होगी। दोस्तों ये है आशिमा मॉल के अंदर का अपना मूवी देखने वाला एरिया है ये। इधर बहुत सारी स्क्रीन है, स्क्रीन वन, स्क्रीन टू, स्क्रीन थ्री, स्क्रीन फोर, बहुत सारी है, पांच छह स्क्रीन है। और काफ़ी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लोग आते हैं यहाँ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। इधर देखो इतनी मूवी लगी हैं, ये सब लगी हुई हैं। और अनिकेत भैया आए, अनिकेत भैया भैया अनिकेत भैया आए होंगे घूमने के लिए। दोस्तों ये देख रहा हूँ ये आशिमा मॉल के अंदर बहुत महंगा मिलेगा, 250-300 रुपये का, लेकिन बाहर चले जाओगे ना तो वही 100 रुपया में मस्त मिल जाएगा, बिल्कुल पेट फुल्लम फुल हो जाएगा, बहुत ही सही है। गाइज मैं ब्रह्मास्त्र मूवी देखने के लिए आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रणवीर कपूर मेरा फेवरेट है, इसलिए फेवरेट है क्योंकि मैंने इसकी मूवी में काम किया, संजू मूवी में, मतलब मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है ऐसे 4-5 कदम दूर से, इसलिए मेरा फेवरेट है ये। आलिया भट्ट को तो मतलब मोहब्बत है उससे, मुझे बहुत ही प्यारी है, मैं हर वीडियो में उसको कैप्चर कर लेता हूँ। और ये मोनी रॉय बहुत प्यारी लड़की, बिल्कुल डैम हॉट। और ये अपना नागार्जुन है, ये अभी अपने अमिताभ बच्चन है, वर्ल्ड बेस्ट लोग हैं यार, शानदार शानदार, मतलब मज़ा आने वाला है, आई एम वेरी एक्साइटेड। और भाई साहब फोटोशूट चल रहा है अनिकेत भैया, इतना भाई तब खतरनाक फोटोशूट किसका हो रहा है, फोटोशूट हो रहा है भाई लोगों का। भाई साहब इससे पहले कि पिक्चर शुरू हो फटाफट टॉयलेट का कंटा खत्म कर लो, क्योंकि टॉयलेट बीच में लग जाती ना भयंकर दिमाग खराब होता, क्योंकि उसके अंदर उधर खतरनाक वाले एसी चलते ना तो पूरा माहौल ठंडा ठंडा हो जाता और अपन भी ठंडे हो जाते। तो चलो भाई कंटा खत्म करते। और दादा रे दादा, खतरनाक खतरनाक बाथरूम है साला, ऐसे घर में नहीं आया ऐसे आइटम तो यार, क्या बढ़िया आइटम है, गाँव में कहीं हो तो उखाड़ के ले जाए घर इंसान अपने लगा ले। गाइस अभी कुछ देर और है, थोड़ी देर बाद अपनी स्क्रीन पे जाने वाले हैं, आई थिंक पता नहीं मुझे 2 या 3 है हमारी स्क्रीन, तो जैसे ही चालू होगी फटाफट पहुँच जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है यार। रणवीर कपूर की मूवी और कह रहे हैं वहाँ VFX बहुत खतरनाक लेवल का यूज़ हुआ है, खतरनाक एक्टिंग करी है और स्टोरी भी वर्ल्ड क्लास है, तो जाके देखेंगे जब पता चलेगा कैसी है। तो गाइस मैं आ गया हूँ मूवी थिएटर के अंदर और मैं किससे आपको मिलवाता हूँ, ये देखिए दोस्तों विवेक भैया आ चुके हैं, सौरभ भैया साथ में है, अनिकेत भैया भी साथ में। तो एकदम से हम लोगों का प्लान बन गया है कि मूवी देखकर आते हैं और मूवी बहुत सही है, इसलिए चलो ट्राई करते हैं और अच्छी लगेगी तो आपको भी बताऊंगा और आपको इंसिस्ट करूंगा कि आप भी जाइए। ओके चश्मा चश्मा मेरा, ये भाई इसको खोलना पड़ेगा, पैक है बिल्कुल यार, देखो ये नया ही है बिल्कुल, यूज्ड नहीं है, उद्घाटन करना पड़ेगा इसका। वाह वेलकम टू सिनेपोलिस, भाई चालू हो गया कुछ, कौन सा अपना भाई, ये अनिकेत भैया, क्या आ जाओ, इसमें है हल्दी के गुड़ जो पिंपल्स एक्ने डार्क स्पॉट्स दूर रखने में मदद। भाई ऑसम फीलिंग आ रही है भाई, खतरनाक लग रहा है 3D में, मेरा लगेगा मुझे चिपका दो ना, ये बड़ी बात भाई आया, कुछ थोड़ा डिफरेंस तो आया, ये 3D है दोस्तों, गॉगल मैंने सामने लगा दिया है। चले और क्या भाई, अरे रुक जाओ और क्या, हाँ वे वही चलो ना घर पे, सुबह निकल जाना और क्या, इसको ऐसे भगाओ मत, बहुत अच्छा, इधर आ जा, क्या हुआ,
रोटी खा ली थी, चलो यहीं रहना ठीक है। अरे यहीं रहना, बाय टाइगर बाय। बेचारा वहीं बैठा है अभी तक, बैठ रहना ना, यहीं आ जाना ठीक है। और बहुत प्यारा है बेचारा। गुड नाइट टाइगर, गुड नाइट। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो दोस्तों, कल मैंने रात में शानदार वाली ब्रह्मास्त्र मूवी देखकर आया हूँ। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मूवी मुझे कैसी लगी, तो मुझे तो मस्त लगी दोस्तों, बहुत ही शानदार। क्योंकि दोस्तों मुझे मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो मुझे तो बहुत सही लगी है। लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको भी अच्छी लगेगी। लेकिन बात यह है कि मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक स्टोरी तो नहीं है, मैं सच बताऊंगा बिल्कुल। मतलब ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल खतरनाक मूवी है, मतलब अच्छी मूवी है, एक बार तो देखना बनता है। और हाँ, 3D में ज़रूर देखिएगा दोस्तों। 3D में क्या जो फील आया है ना, उन्होंने जो VFX यूज़ किया है, ऐसा कांच निकल रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे आंख में भर हुआ है। दो बार तो मैंने मुंडी पीछे कर ली भाई, सच में ऐसा लगता है जैसे कांच अंदर घुसता है। अगर आप जाओगे ना तो शाहरुख खान वाला एक सीन है, कांच वाँच कर रहता है, ऐसा लगेगा जैसे आँख में घुसेगा सीधा कांच। तो बहुत खतरनाक था दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा है मतलब। और मेरा तो फेवरेट भी है, मैं फेवरेट क्या, मेरे तो बहुत सारे लोग फेवरेट है, मैंने उसकी मूवी में काम किया है, तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा हमेशा, बिकॉज आई नो देयर हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, तो इसलिए मतलब इतना अप्रिशिएशन तो बनता है उनके लिए। बट ठीक है, एक बार ज़रूर देखिएगा, मन में नहीं रहेगी। और अगर कोई ज़्यादा महंगा नहीं देख सकता तो वो 2D वाला देख ले बढ़िया, सस्ती सी टिकट में, और रॉक करके जाए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन, गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल। प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड लेटर।